इरेडा एक ऐसा शेयर जिसने पिछले साल नवंबर के आखिर में बाजार में एंट्री की और एंट्री करते ही शेयर बाजार में धमाल मचा दिया। पिछले आप समझ लीजिए कि एक साल से कम वक्त में, यानी नवंबर के आखिर में लिस्ट होने के बाद से अब तक ये 337% का तगड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे चुका है और इन्वेस्टर्स की बल्ले बल्ले करा चुका है। अब अगर आज की बात करें, आज यानी गुरुवार को इरेडा के शेयरों ने एक और बड़ी छलांग लगाई। इरेडा के शेयर आज 10% के लगभग चढ़कर 262.75 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जबकि आज ये कारोबार के दौरान 11.25% तक चढ़कर 265.75 रुपये के हाई तक चले गए। इसका 52 हफ्तों का हाई 310 रुपये का है और ये समझ लीजिए कि इस शेयर ने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत कम वक्त में इन्वेस्टर्स को कितना तगड़ा पैसा दिया है। तो कहानी क्या है आज इरेडा के शेयरों में, यानी गुरुवार को इरेडा के शेयरों में ये जो लंबी चौड़ी तेजी आई और इन्वेस्टर्स को एकदम से पैसा बनाने का मौका मिला, आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही, इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि आखिर इरेडा के शेयरों के रिटर्न पिछले कुछ वक्त में कैसे रहे हैं। इरेडा दरअसल एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये एक बड़ा पॉपुलर शेयर रहा पिछले साल जब इसका आईपीओ आया पिछले साल के आखिर में, और उसके बाद जब ये लिस्ट हुआ। तो अब आप समझ लीजिए कि हालांकि पिछले कुछ वक्त में शेयर में थोड़ी गिरावट भी आई है, एक महीने में ये लगभग 2.5% गिरा है शेयर, और अभी का अगर हम प्राइस देखें 262 रुपये के आसपास का, तो वो भी इसके 52 वीक के हाई यानी 310 रुपये के लेवल से 15% डाउन है। लेकिन पिछले 6 महीने में ये शेयर 56% से ज़्यादा चढ़ चुका है, और इस साल अब तक यानी 2024 की शुरुआत से अब तक अगर हम देखें तो ये 151% का रिटर्न दे चुका है। और जो हम बात पहले बता चुके हैं आपको कि 2023 में नवंबर में जब इस शेयर ने मार्केट में एंट्री की थी, तब से अब तक ये 337% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो ये थी इरेडा के शेयरों की पूरी कहानी। इरेडा मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये अब बात कर लेते हैं कि आखिर आज जो शेयरों में तेजी आई उसकी वजह क्या है। तो हुआ ये है कि इरेडा ने शेयर बाजारों को जानकारी दी है कि वो 4500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और उसके प्रपोजल पे अब वो विचार करेगी। बस ये खबर आई है बाजार में और उसके बाद से इसके शेयरों में धुआंधार तेजी आज दिखाई दी। अब आपको पूरी बात अगर हम बताएं तो बीएसई की एक फाइलिंग में इरेडा ने ये बोला है कि बोर्ड की मीटिंग 29 अगस्त को एक होने वाली है। अब इस मीटिंग में क्या होगा, कंपनी ने बताया कि इस मीटिंग में पैसे जुटाने की, फंड रेजिंग की को लेके चर्चा होगी। 4500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती है। ये पैसा कैसे जुटाया जाएगा, ये पैसा फर्दर पब्लिक ऑफर यानी FPO, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP, राइट्स इश्यू या प्रेफरेंशियल इश्यू, इनमें से कोई भी तरीका कंपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है इस पैसे को जुटाने के लिए। अब बात करें, ये तो बात हुई आज की शेयरों में तेजी की और आखिर क्यों ये शेयर चढ़ रहे हैं इस बात की, और कंपनी का क्या प्लान है 4500 करोड़ रुपये जुटाने का, वो हमने बताया। लेकिन एनालिस्ट इस शेयर को लेके क्या कह रहे हैं ये भी बात हम आपको बता देते हैं। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो इस शेयर को लेके थोड़े उनमें अलग अलग राय दिखाई देती है। ICICI डायरेक्ट के एनालिस्ट्स ने कहा है कि सरकार का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे दिखाई दिया है और ऐसे में वो इस सेक्टर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेके पॉजिटिव बने हुए हैं और लॉन्ग टर्म इसमें सस्टेन्ड ग्रोथ इन AUM भी दिखाई दे सकती है, ये भी बात उन्होंने कही है। ऐसे में ICICI डायरेक्ट के जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि ये जो उन वो जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो FY26 के एस्टिमेटेड EPS के 49 टाइम्स पे वो इस स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने इसके लिए 330 रुपये का टारगेट दिया है ICICI डायरेक्ट ने, और इसको बाय रेटिंग दी हुई है। तो ये तो ICICI डायरेक्ट की बात हो गई जिसमें उसने 330 रुपये की बात कही है, यानी अभी जो 262 रुपये पे है यहाँ से उछल के शेयर 330 रुपये पे जा सकता है और अपना जो पिछला 52 वीक का हाई है उसको भी पार कर सकता है। अब आते हैं एक और जो ब्रोकरेज हाउस है फिलिप कैपिटल, उसके एनालिस्ट ने इसको सेल रेटिंग दी है।
अब आप समझ लीजिए कि दोनों जो ब्रोकरेज हाउस हैं उनकी इस स्टॉक को लेके राय में कितना अंतर है। फिलिप कैपिटल ने तो इस शेयर के लिए जो टारगेट प्राइस है वो रिवाइज करके 130 रुपये कर दिया है, और ये उन्होंने जो पहली तिमाही के नतीजे आए थे उसके बाद फिलिप कैपिटल ने इसके लिए ये टारगेट दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो जो भी इसमें फंडामेंटल जो स्टॉक में तेज़ी आ रही है उसके पीछे कोई फंडामेंटल वजह नज़र नहीं आ रही, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो बाकी के सारे फैक्टर्स हैं वो स्टॉक में प्राइस इन हो चुके हैं। अगर हम इसके इरेडा के तिमाही नतीजों की बात करें तो जो पहली तिमाही है मौजूदा फिस्कल की उसमें इसका ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट 30% बढ़ के 384 करोड़ रुपए पे पहुंच गया, जबकि ये एक साल पहले की इसी तिमाही में यानी जून तिमाही में 295 करोड़ रुपए था। इसी तिमाही में यानी जून तिमाही में इसका रेवेन्यू है वो 32% बढ़ा है और 1510 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि पहले 1143 करोड़ रुपए था। इरेडा की जो आउटस्टैंडिंग लोन बुक है वो 63,207 करोड़ रुपए पे नज़र आई है पहली तिमाही में, जो कि एक साल पहले की जून तिमाही में अगर हम देखें तो वो 47,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, और इसमें 34% की बढ़ोतरी दिखाई दी थी। तो ये पूरा इरेडा के शेयरों में आज क्या वजह रही जो इतनी 10-11% से ज़्यादा शेयर चढ़ा, उसके पीछे के क्या वजह थी, कैसे रिजल्ट रहे, और ब्रोकरेज हाउस अब स्टॉक को क्या रेटिंग दे रहे हैं, वो इसको लेके क्या राय रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।